The following passage has not been edited. There is one error in each line. Write the incorrect word and the correction in each in the space provided. My day begins on 5 o'clock in the morning. It has been so since the last 40 years except for the 2 years which आई वॉज एल आई वेक आउट एट द साउंड ऑफ द ट्रेन इट इज द टाइम पर्टिकुलर टाइम बोल रहे हैं ना फाइव ओ क्लॉक तो आपने अगर प्रपोजिशंस पढ़े हैं तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जब पर्टिकुलर टाइम की बात होती है तब यहाँ पे ऑन की जगह क्या आ जाएगा एट हैज बीन सो सिंस द लास्ट अच्छा अब यहाँ पे बात आती है सिंस की इट हैज़ बीन सो मतलब ये ऐसा कब से चल रहा है इट हैज़ बीन सो सिंस द लास्ट फोर्टी ईयर्स पिछले चालीस सालों से इस तरह मेरा रूटीन चल रहा है कि मेरी मॉर्निंग कब होती है सुबह के पाँच बजे होती है और यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है लास्ट फोर्टी ईयर्स फोर्टी तो है कि फोर्टी ईयर्स डेफिनेट है पर लास्ट फोर्टी ईयर्स कौन से हैं तो यहाँ पे सिंस एक पर्टिकुलर टाइम नहीं इसकी जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा फॉर एक्सेप्ट फॉर टू ईयर्स मतलब चालीस साल से ये प्रैक्टिस चल रही थी लेकिन चालीस साल में क्या वो दो साल ये सब नहीं चला ठीक है मेरा जो रूटीन था वो दो साल फॉलो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ विच आई वॉज इल अब विच तो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए विच जो होता है वो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए बताया जाता है बट यहाँ पर क्या हो रही है टू ईयर्स की बात हो रही है टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा टाइम किस चीज़ को बताता है वेन विच का वेन हो जाएगा व्हेन आई वॉज इल कौन से दो साल थे जब मैं नहीं ये फॉलो कर पाया जब मैं बीमार था वैन का मतलब क्या होता है जब डब्ल्यू एच ई एन आई वॉज एल आई वेक आउट वेक मतलब उठना आउट एट द साउंड ऑफ द ट्रेन ट्रेन की आवाज से मैं उठता था आई वेक आउट आउट तो देखिए कुछ भी नहीं होता आई up ही होता है हमेशा वेकअप होता है Wake up होता है वेकआउट कोई शब्द नहीं होता है राइट